अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम बना रहे हैं डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स पफ। तो डेट्स एंड ड्राई फ्रूट पफ बनाने के लिए यहाँ हमने ली हुई हैं 5 खजूरें और उनको अच्छे से वॉश करके उसका सीड निकाल के बारीक कट कर लिया है। और इसमें यहाँ हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने 10 बादाम लिए हैं, इसको बारीक कट कर लिया है। ऐसे ही 10 पिस्ते बारीक कट किए हुए, काजू 10 बारीक कट किए हुए, तकरीबन 20 किशमिश हैं और 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून जैसा आप चाहें। मैंने खसखस ली हुई है, खसखस मुझे बहुत पसंद है, तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जहाँ जिस शहर में खसखस ना मिले तो मसला नहीं है, कोई भी तरह के पम्पकिन सीड या मेलन सीड, कोई भी सीड्स आप 1 चाय का चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच डाल सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा हो जाता है। 1 कप हमने यहाँ पर शक्कर ली हुई है और 1.5 कप हमने यहाँ पर लिया हुआ है पानी। तो इसका हम सिरप बनाएंगे और 2 चुटकी तकरीबन यहाँ पर हमने ली हुई है इलायची का पाउडर, 1 चुटकी ज़ाफ़रान लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने शुगर सिरप बनाने रखना है और ये जो भी चीज़ें हैं इसको हम 1 टेबलस्पून घी में हल्का सा सौटे करेंगे। तो शुरू करते हैं शुगर सिरप बनाना। पैन गैस पर रख दिया है, शक्कर इसमें डाली हुई है और इसमें डाल देंगे हम 1.5 कप पानी, साथ साथ 1 चुटकी ज़ाफ़रान इसमें डाल देंगे और 2 चुटकी यहाँ पर इलायची पाउडर है हमारे पास, तो इसमें से 1/2 इलायची पाउडर हम डालेंगे ये सिरप के अंदर और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। इसमें 1 तार या 2 तार की चाशनी जैसा नहीं करना है, बस अच्छे से बॉईल करना है। कम से कम 1 उबाल आने के बाद फ्लेम मीडियम करके 5-6 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लें ताकि सिरप में जो हमने ये अभी शक्कर डाली है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। शुगर सिरप हमने दूसरे बर्नर पर रख दिया है और इधर हमने एक कढ़ाई रखी है जिसमें 1 टेबलस्पून भर के डाला हुआ है हमने देसी घी। घी गर्म हो चुका है और अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ते, डेट्स, खसखस और इलायची का पाउडर और हल्का हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। शुगर सिरप देखें अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया है और फ्लेम को अब हम मीडियम कर लेंगे और इसको टाइम देख के 5-6 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे। इधर हमारे ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई होने आ रहे हैं, 2-3 मिनट एकदम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इस तरह से आप इसको रोस्ट कर लें। हल्का सा गुलाबी कलर जिसको बोलते हैं, लाइट पिंक कलर वैसा होना चाहिए सारे ड्राई फ्रूट्स में ताकि इसमें एक सोंधी सी जो है खुशबू आने लगे। और घी का भी ध्यान रखना है क्योंकि इसको हमने फिल करना है, तो घी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जितनी क्वांटिटी बताई है उसके लिए 1 टेबलस्पून घी जो है वो सफिशिएंट रहा। खजूर का बहुत ध्यान रखना है, आजकल वैसे ही ये कोरोना वायरस की वजह से हर चीज़ का वॉश करना, सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो खजूर के पैकेट्स भी जब आप लाएँ तो उसको पहले सैनिटाइज करें, उसके बाद खजूर जितनी भी आप यूज़ कर रहे हैं उन खजूर को अच्छे से 3-4 पानी से वॉश करके ड्राई कर लें और उसके बाद ही उनको यूज़ करें, क्योंकि कहाँ कहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं कुछ नहीं मालूम, बात का बहुत ध्यान रखना है। शुगर सिरप भी तकरीबन हमारा होने आया है, 3-4 मिनट हो चुके हैं, अब 2-3 मिनट और इसको हम पकाएंगे और चाशनी को फिर हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं करनी है, थोड़ी गुनगुनी ही रहना चाहिए। और जब तक हम तैयारी करते हैं अब पफ बनाने की,
थोड़े से मेलन सीड मैं भी यहाँ पर शामिल कर रही हूँ, ये वाटरमेलन सीड है, और इन सबको मिला के आप अच्छे से रोस्ट कर लें। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बहुत सोंधी सोंधी इसमें खुशबू आने लगी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। ड्राई फ्रूट रोस्ट होके हमारे रेडी हो चुके हैं, और एक टेबलस्पून मैदा में हमने 2 टेबलस्पून पानी डाल के थिक सा पेस्ट बना लिया है इसको स्टिक करने के लिए। शुगर सिरप भी हमारा बन के फर्स्ट क्लास रेडी हो चुका है, लेकिन हमें इसको यूज करना है गुनगुना। जब हम पफ बना लेंगे तो इसको हम थोड़ा गुनगुना करेंगे, और गुनगुने ही में ही हम अपने पफ को इसमें डालेंगे। तो अब हम पफ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पफ के लिए ये समोसा पट्टी ली हुई है अलमीरा की, और इसमें से जितनी पट्टियाँ चाहिए थी उतनी पट्टियाँ लेकर थोड़े से वेट क्लॉथ में यहाँ पर रख ली हैं। ये इस तरह से देखें, ऐसे ही रख लेना है, और बाकी की उठाकर फ्रिज में रख देंगे, जितनी जरूरत होगी उतनी ही बाहर निकालेंगे। 2 पट्टियां ले ली हैं, उसको एक के ऊपर एक करके रख लिया है इस तरह से क्रॉस में, और थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तरह से, और अब इसके बीच में करेंगे फिलिंग। फिलिंग जितनी चाहे आप उतनी कर सकते हैं, हाथ से इसको संभाल ली, और अब इसके सब साइड्स पे थोड़ा थोड़ा सा मैदा लगा देंगे ताकि कोई भी साइड से खुले नहीं। इसकी ये जो एजेस हैं उन पे भी लगा देंगे। अब इसको यहां से उठा के यहां स्टिक कर देंगे, इधर से उठा के ये साइड में स्टिक कर देंगे, और इधर से उठा के आपने इधर स्टिक कर देना है। देखें, ये फर्स्ट क्लास स्टिक हो गया, सब साइड से स्टिक हो गया। अब यहाँ हम काटेंगे थोड़ी बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स। सारी स्ट्रिप्स कट गई हैं, ये आप देख सकते हैं, और इनके भी जो एजेस हैं उनको हम स्टिक कर देंगे। और थोड़ा सा मैदा यहाँ पर भी स्टिक कर देंगे, और उसको संभाल के उठाकर आपने ऐसे कर देना है। ये एजेस हैं, इनको हम यहाँ पर चिपका देंगे। देखें कितना फर्स्ट क्लास सही बन के रेडी हो गया। ऐसे ही वापस हमने 2 स्ट्रिप को एक के ऊपर एक रख के फिलिंग कर लिया है, और चारों साइड इसके अच्छे से स्टिक कर लिया है मैदा से, और इसके 2 एजेस पे हमने ये मैदा लगाई हुई है। तो इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे, और इसको भी इस तरह से बंद कर लेंगे। अब ये जो 2 साइड बचे हैं इनकी हम
इसमें पतली पतली स्ट्रिप्स कट करेंगे। इस तरह से इस साइड और ये साइड दोनों साइड में आपने स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। अब इसमें भी हमने चारों साइड मैदा से स्टिक कर दिया है। अब इसकी एक एक स्ट्रिप उठाएंगे और ऐसे हम इस तरह से रखते जाएंगे, ऐसे फिर एक ऐसे। देखिए कितना बेहतरीन इसका डिज़ाइन बनकर आया है। अब ये जो एजेस हैं इनके एंड्स जो हैं, इन एंड्स में आप यहाँ पर स्टिक कर दें इस तरह से। ये देखिए कितना बढ़िया सा डिज़ाइन बन गया है। बस इसी तरह से आप अलग अलग शेप्स, अलग अलग डिज़ाइन करके इसमें बना सकते हैं। एक और पफ हमारा बन के रेडी हो गया है। ये बिल्कुल सिंपल बनाया है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं की है। देखें फर्स्ट क्लास सा हमारा बन गया। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसे हम फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक एक करके अपनी पफ डाल देंगे। और इसको दोनों साइड से आपने गोल्डन सा फ्राई करना है। बिल्कुल रेडी हो गए हैं, फ्लेम बंद कर देंगे और इनको अब हम ऑयल को ड्रेन करते हुए बाहर निकालेंगे। शुगर सिरप हमारा अभी गुनगुना है, इस शुगर सिरप में इन पफ को हमने डिप करना है। हल्के से मीठे, क्रिस्पी, बहुत मजेदार होते हैं ये। तो इस तरह से एक 2 से 3 मिनट के लिए आप इनको डिप रहने दें। पलट पलट करके इसको आप डिप कर दें और फिर इसको आप फटाफट निकाल लें। सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। आप देखें 2 से 3 मिनट आप रहने दें इसको और फिर इसको बाहर निकाल लें। अब इसे हम बाहर निकालेंगे चाशनी से।
ये देखें कितने फर्स्ट क्लास ये डेट्स के और ड्राई फ्रूट्स के पफ बन के तैयार हुए हैं। तो लीजिए नाज़रीन, ये डेट्स एंड ड्राई फ्रूट पफ बन के रेडी हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बने हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होगी। अल्लाह हाफिज़।